नमस्कार जोहार आदाब, मैं अमित सिंह आशुतोष आनंद के साथ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज गोड्डा। समय है दिन भर की कुछ खास खबरों का, तो आइए चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ खास। आज पुलिस कप्तान ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया के सामने तीन मामलों का उद्भेदन किया। उन्होंने बताया कि कल पतरगामा में बलिया गांव में हुए मारपीट के दौरान हत्या के दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें आदित्य सिंह और सत्यदेव सिंह नामजद हैं। दूसरे मामले में हनवारा में हुए 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरे मामले में उन्होंने बताया कि पोड़ैयाहाट में मवार डुंगरी टोला में रहने वाले महालाल सोरेन ने अपनी सौतेली माँ बीबी टुडू की हत्या कर दी थी। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बलिया में आपस में ही मारपीट हो गई थी, दोनों अगल बगल गिर ही थे, जिसमें एक व्यक्ति जो जख्मी हुए थे उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा व्यक्ति जो जख्मी है वो भागलपुर में हॉस्पिटल में इलाजरत है, उसमें दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज किया गया है। एक तरफ जो एक्यूज हैं वो तो चूंकि उनका स्वर्गवास हो गया, डेथ कर गए, तो एक्यूज डेथ हो गया, लेकिन दूसरे तरफ जो मारने में उसमें 4 एक्यूज बनाए गए हैं, उसमें से 2 व्यक्ति आदित्य सिंह और सत्यदेव सिंह पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। पूछताछ करने पर दोनों के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया है और बोला गया है कि मारपीट सर हुई है आपस में और जिसके चलते उनकी मृत्यु हुई है। बाकी से अभियुक्त के लिए छापेमारी हो रही है। एक अभियुक्त जो है वो हॉस्पिटल में इलाजरत है, बाकी एक अभियुक्त फरार है। घटना जो अगर हम कहें तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है कि 8 वर्ष की बच्ची को हनवारा थाना में उसके साथ बलात्कार किया गया है, बलात्कार की कोशिश की गई। जो लड़का उसमें शामिल हुआ है, जिसको प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था, उसको विधिवत हिरासत में लिया गया। जब पूछताछ किया गया और उसका एज देखा गया तो वो भी 18 साल से कम का ही है। पुलिस पूरे मामले को छानबीन करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की है। लड़की का मेडिकल कराया गया है, 164 में बयान कराने के लिए निर्देश दिया गया है और लड़का को नियमानुसार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। में एक व्यक्ति के द्वारा अपनी सौतेली माँ का ही हत्या कर दिया गया, ये पोड़ैयाहाट का मामला है। 22/10 को केस हुआ है, उसमें भी जो हत्या करने वाला है महालाल सोरेन, उसको पोड़ैयाहाट थाना प्रभारी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह से इधर कल और आज में जो 3 घटनाएं हुई हैं, तीनों घटना में अभियुक्तों को गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। समरणालय स्थित अपने कक्ष में उपायुक्त महोदया किरण कुमार पासी की अध्यक्षता में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि 31/10/18 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने हेतु बैठक आहूत की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम उस दिन सुबह 8 बजे सरकंडा गेस्ट हाउस पेट्रोल पंप के सामने से गांधी मैदान मुख्य गेट तक दौड़ का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में स्कूलों, महाविद्यालयों, एनजीओ, समाजसेवी संस्थाओं को साथ जोड़ने का कहा गया है ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग एकत्रित हो सकें। जिला में स्वच्छता कार्यक्रम एवं शपथ कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता पेयजल स्वच्छता प्रमंडल को जिम्मेवारी सौंपी गई है। साथ ही सुबह 8:40 में शहीद स्तंभ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। बोरियो विधानसभा क्षेत्र के झारखंड विकास मोर्चा के युवा नेता सूर्यनारायण हाजदा ने बुआरीजोर प्रखंड के सिरीपुर गांव का दौरा किया, वहां की मूलभूत समस्याओं से हुए अवगत और पदाधिकारियों से मिल समस्याओं के निदान का आश्वासन दिया है। पतरगामा के पिपरा पंचायत के जमुआ गांव में एक 32 वर्षीय बिटका वासकी नामक युवती की मौत की मिली है। मृतक के परिजनों ने बिटका बासकी के मौत का इल्जाम उसके पति मारंग सोरेन पर लगाया है। मृतक के चाचा ने बताया कि मृतक के पति ने शादी के 5 वर्ष बाद मोटरसाइकिल की मांग ससुराल पक्ष से की थी, नहीं मिलने पर उसकी हत्या कर दी गई है। जबकि मृतक के पति ने अपने बयान में कहा था कि बिटका बासकी की मौत कुएं में डूब के मरने से हुई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से यह मालूम हुआ है कि मृतक के पति ने पत्नी की हत्या की बात कबूल ली है। कल हमने जमीन कोला के किसानों के पानी के संघर्ष को लेकर खबर चलाई थी, उससे पहले भी एक्सप्रेस न्यूज इस खबर को तत्परता से दिखाती आई है। खबर का दिखा है असर। इन किसानों के मदद के लिए अब अमृत मंडल विधायक सामने आए हैं। मालूम है कि विधायक के सहयोग से उप विकास आयुक्त सुनील कुमार ने 14वें वित्त आयोग या मनरेगा योजना के तहत कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है। पूरे इलाके में इस बात को लेकर खुशी की लहर दौड़ गई है। बुआरीजोर प्रखंड के मुरचानावाड़ी गाँव आजादी के 70 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहां आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने सूद नहीं ली। यहां ना तो पानी की सुविधा है, ना ही सड़क की, ना ही नाले की सुविधा है। अभाव की जिंदगी जीने को मजबूर है यहां के लोग।
भीम आर्मी और आदिवासी एवं वैसी के संयुक्त बैनर तले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, जिसमें देवघर में बन रहे हवाई अड्डे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर न रखकर सिद्धू कानू रखने की बात कही गई। अटल बिहारी वाजपेयी नाम रखने के विरोध में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। महागामा में कांग्रेस पार्टी के संथाल परगना ओबीसी विभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर आशा देवी, ओबीसी विभाग प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश कुमार का भव्य स्वागत कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष दीपिका सिंह पांडे और वरिष्ठ कार्यकर्ता नवल किशोर भगत ने की। बुके और शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया गया। ओबीसी संगठन को मजबूत करने के हर पहलू पर आशा देवी ने बात कही। कांग्रेस अभी जो रणनीति लेकर चल रही है उसके तहत हम लोग ओबीसी पिछड़ा विभाग से आते हैं और जोनल कोऑर्डिनेटर को संथाल परगना का नियुक्त किया, इसलिए जिस ये संथाल बहुत ही धन संपदा से परिपूर्ण है और यहाँ पर जो है कांग्रेस की स्थिति मजबूत करने के लिए जिला कमेटी से लेकर प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी, बूथ कमेटी, जितने भी प्रकार के कमेटी हैं उनकी समीक्षा करना, जहाँ कमजोर है वहाँ रुक करके उसको मजबूती के लिए बनाना और कांग्रेस को, कांग्रेस के तहत जितने भी प्रकार के कार्य हुए हैं उसको कार्यकर्ताओं में बताना। मोदी के खिलाफ जो मोदी ने जुमलेबाजी कर 4 साल का पद हासिल किया उसको उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस कफन बांध करके निकल चुकी है। मेरा उद्देश्य है कि पूरा संथाल हमारा ऐसा मजबूत हो जाए कि हमारा एक एक कैंडिडेट यहाँ से जाय जीत करके और झारखंड का जो इस बार सरकार बनेगा उसमें कांग्रेस की भी भागीदारी होगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसी के लिए हम लोग निकले हुए हैं। आपका शुभ नाम? आशा देवी। पद? एक बार फिर चैन स्नेचर्स की गतिविधि हुई जिले में तेज। पतरगावा के बाबूपुर गांव के स्कूल में एक शिक्षिका के गले से सोने के चैन छीनकर दो व्यक्ति फरार हो गए। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ गुड़गांव।